बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मैं हूँ आहदी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि हम घर आ गए हैं जी। अब भाई सहेब की कॉल आई है जी, कह रहा है कि इधर आओ, मेरी बात सुनो यार, थोड़ा सा काम जाना है। चलो जी, अब जल्दी जल्दी चलते हैं नानी जी के घर। भाई सहेब से पूछते हैं जी क्या काम है। चलो जी अब चलते हैं नानी जी के घर। मैं आ गया हूँ जी। ये जवान तो सोए हैं जी। भाई आपने कॉल की थी यार, आधा घंटा ही हुआ है। चलो ठीक है, घंटा हो गया। क्या करना है जी, बोलो। चलो चले। ओ माय गॉड, फिर चलो आ जाओ, चक्कर लगा। इसने नहीं जाना। आतिफ आतिफ उठो, चले यार, उठो शहर चले। यार चक्कर लगा के आ जाते हैं, जो हुई तो चले चले जाएंगे, ना हुई तो वापस आ जाएंगे। आप सारी रात क्या करते रहे हो? हैं? चलो, आपको और कोई काम नहीं है? बाइक निकाल रहा हूँ और आतिफ अभी तक आया ही नहीं है। आ जाओ यार, आ जाओ जल्दी, आ जाओ भाई। सहेब आ गया जी, आतिफ अभी भी नहीं आया। आतिफ आ जाओ यार। और ये कौन है? वन 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 चले। बाइक पे हम बैठ गए हैं जी तीनों कजन, अब जा रहे हैं जी शहर। और भाई सहेब ने कहा कि जो कम वजन उठाएगा ना वो पार्टी खिलाएगा और पैसे उसने देने हैं। और भाई सहेब ने मैंने भी मान लिया, भाई सहेब ने भी मान लिया। और जो है ना आतिफ, वो बेईमान है, वो मुकर रहा है इस बात से। ये मैं कमजोर हूँ। कहाँ से? अच्छा बात सुनो, ये बात नहीं मतलब कि शरीर में तुम्हारी जैसा ही हूँ, लेकिन तुम भी काम करते हो, तुम्हारी काफी प्रैक्टिस हुई है। अच्छा। ये भी काम करता रहता है, ये भी वजन उठाने में बेहतर है। मैंने आज तक अभी वजन नहीं उठाया, तो मैं क्या करूँगा? आपने बेईमानी का इतना वजन तो उठाया। मैं अपनी तरफ से फुल कोशिश करूंगा तुमसे। चलो सही, मानते हो ना, लगी चलो जी आप चलते हैं जल्दी जल्दी शहर, क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो गया। पता नहीं जिम भी ओपन होगा या नहीं। शहर हम पहुंच गए हैं जी, ना जिम है, ये तो बंद है। अब चलते हैं जी आगे, आगे एक और जिम है, वहां पर चलते हैं। काफी देर घूमने घुमाने के बाद जिम एक मिल गई है जी। ये है जी सामने, बाहर पोस्टर वगैरह नहीं लगे। क्या हुआ जी? डॉक्टर साहब पूछो। चलो चलो पूछ लेते हैं। चलो जी ये डॉक्टर साहब की जिम है, उनसे पूछते हैं और फिर चलते हैं जिम में। हमने पूछ लिया अंकल जी, पूछ लिया, वो कह रहे हैं बना लो। चलो जी ये है जी जिम, और अब यहाँ पर करते हैं ये स्टार्ट अपनी ट्रेनिंग। प्लेटें लगा ली हैं जी तीन तीन, कि मैं 60 किलो वजन बनता है। 60 किलो दो दो किलो है। दो दो किलो है। 4 किलो 60 छोट किलो। चलो उठाओ, पहले मैं उठाऊं। बस सेब उठा रहे हैं जी। यार ये नहीं रखा था, ये नहीं रखा था, ये ऐसे नहीं करना, हाथ नहीं चेंज करने। चलो यहाँ पर मतलब यहाँ पर कमर पर रखना है, नीचे नहीं रखना। आपने मतलब नहीं, आप बैठ के ऐसे कर रहे हैं। चलो नीचे नहीं रखना, बस चलो चलो। ऐसे पता चलता है। चलो चलो आतिफ आपकी बारी। मैंने उठाया जी, मेरे यहाँ पर गया वेट, और भाई सहेब ने उठाया उसने यहाँ तक, आप देखते। चलो आतिफ उठाओ, उठाओ, नाटक ना करो। ये वहां तक गया जहां तक मैंने उठाया था। और आतिफ हमसे जीत गया जी। चल नीचे रख दो, चोट ना लगवा लेना।
फिलहाल जी हम दोनों से भाई आतिफ ही जीते हैं, ये भी दूसरे नंबर पे हैं, मैं तीसरे नंबर पे और भाई आतिफ पहले नंबर पे। चलो जी अभी और कोई मशीन ट्राई करते हैं। वैसे मैंने सोचा था तुम मुझसे ज्यादा ये पहले डबल उठाता रहा ये वेट सारे, मैंने सोचा ये यहाँ तक ऐसे करेगा फिर ऐसे ऐसे करेगा। मैं तो घबरा गया था एक बार, वजन कम कर लेते हैं। तुम्हें पता चलो मैंने फुल अपने जितना जोर है सारा लगा के यहाँ तक लेके आया। चलो आज करते हैं कम करते हैं, उतारो एक। चलो जी अब एक एक ब्लेड कम हो गया, चलो अब उठाओ से। चलो भाई हम चुका लगा भाई यार भी है ना कि नहीं चुका देना। चुके हो भी दस मिनट हुए ये मेरे करना है 44 किलो बंदा दो आज तीसरा चल 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 जाए मर्जी कटो भाए नहीं तो कटो तुम कोई जरूरत नहीं पांच छे बस छे कटे दो। मैंने जी छे निकाले और भाई सेब के काम से एक दो तीन रख दो नीचे रख दो चार आप कितना नीचे जा रहे हो पांच आप फुल नीचे पांच भाई से मेरे से पीछे है जी। आ गया जी भाई आतिफ की बारी, चलो चलो उठाओ चेक करें ये क्या हो रहा है। नहीं ऐसा नहीं करना, सीधे सीधा उठाओ भाई एक दो सीने तो लगा के वापस लेके जाना है, ये नहीं गिना जाएगा, ये नहीं गिना जाएगा जो आपने पीछे किया है, सीने से लगा के जाना है एक दो सीधा सीने से लगाओ दो है। चलो चलो रुकना नहीं है ना आपने तीन ये कितना ऊपर से यार लेके जा रहा है चार आप रुकते हैं बहुत हो ज्यादा पांच नहीं भाई आती वैसे ना चीटिंग से जीत रहे हैं हमसे हमसे वैसे चीटिंग से ये जीते हैं ये एक ऊपर किया वैसे सही था ना हमेशा लास्ट वाला बंदा जीतता क्यों लास्ट वाला नहीं आप चीटिंग करते हैं हमेशा आपने कितना सांस लिया है रुके कितने हैं क्यों भाई आती भाई साहब ये रुके भी है ना भाई अच्छा तुम ना उठा के दो में रुके फिर एक लगाना फिर दो में रुके फिर एक लगाना ऐसे ठीक है आसानी रहती है सीने पे वजन आ जाता है दूसरे पानी जो मर्जी हमारे दो राउंड हो गए जी दोनों राउंड में भाई आतिफ जीता है और मैं एक नंबर पे सेकंड हूँ और एक नंबर पे भाई सेब सेकंड है। अब जी यहाँ पर नीचे लटक के पुशे क्यों लगाने हैं और सबसे पहले भाई आतिफ की बारी है, यह हर बार एंड पे जीत जाता है। चलो शुरू हो जाओ तीन ओके अंकल ये देख लो भाई सेम ये बाजू नीचे फुल नहीं लेके आता बारह नहीं ग्यारह ही हुए हैं बारह वाले ये छोड़ दीजिए इसने हाथ नहीं जी हाथ नीचे फुल लेके आना था चला ठीक है हाँ जी फुल
अब जी बारी मेरी आई, भाई आस्तिक ने 12 निकाले ना, हाँ अब मेरी बारी है, मैंने इनसे ज्यादा निकाल लिया। चलो एक दो तीन चार पांच, हाँ सीधी कर हूं कुड़िया, आपने ऐसे ही किया यार, मैंने तो किया, आप तो अपने रूल को फॉलो करो ना। नहीं गया तेरा होया, जो हमेशा एंड पे होता है वो ज्यादा निकाल लेता है। अब आ गया जी भाई सेव की बारी, चलो जी एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह ये बारह भाई सहेब ने मुझसे दो ज्यादा निकाले, भाई आतिफ के 12 मेरे 13 और भाई सहेब के 15 और ये राउंड जीते हैं भाई सहेब। तीन राउंड हमने खेले हैं, एक में भाई आतिफ फर्स्ट आए हैं और एक में भाई सहेब फर्स्ट आए हैं और मैं आया हूँ जी सेकंड। चलो कोई बात नहीं, अब चलते हैं जी और इनको कोई शायद खिलाते हैं। चलो जी अब चलते हैं, बाइक पे हम बैठ गए हैं जी, अब जा रहे हैं जी किसी बेकरी की तरफ और इनको कोई ठंडा ठंडा पिलाते हैं क्योंकि मैं तो हार चुका हूँ जी। चलो कोई बात नहीं, एक बात बताओ हार के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं भी पहली बार जिम आया हूँ, मैं पहली बार जीता हूँ। और भाई सेब आप भी पहली बार आए हो ना? फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, हम मैं काफी बार जिम आता जाता रहता हूँ। सही, चलो अब चलते हैं जल्दी जल्दी बेकरी की तरफ, अब इनको कोई ठंडा शरना पिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, 3 ग्लास मिल्क शेप लगा दो। चलो जी अब चलते हैं बैठते हैं, मिल्क शेप का ऑर्डर कर दिया, और तो नहीं कुछ खाना भाई? आप खुद ही अभी कह रहे थे कि जिम लगाने के बाद बहुत कौन से मजे खाता है, आप क्यों कह रहे हैं? कहा ना आपने, कहा भाई हम खाते हैं, तो मैंने फिर मैं भी आपका कजन, फिर मैं भी खा लेता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ ना, समोसे वगैरह खाने मंगा लेने हैं। यार छोड़ो मिल्क शेप के साथ कौन समोसे खाता है? हम मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा उसमें, देखो फ्रूट शर्ट सही रहेगी, कोई इधर मुश्किल है मिले फिर मैं क्या कह सकता हूँ। चलो ठीक है पूछ लेते हैं, ब्लैक शेक हमारा आ गया जी और ये अकलमंद इंसान ने पकौड़े भी मंगवा लिए जी क्योंकि आज इसने ना जिम लगाया और हिल गया। चलो जी स्टार्ट करो, क्या कर रहा हूँ? चलो जी करो स्टार्ट, पकौड़े हमने खा लिए हैं, आप पीते हैं मिल्क शेक। जूस वगैरह पी लिया जी, अब चलते हैं जी घर। चलो आगे लगो यार, चले खाने पीने के बाद बाइक पे हम बैठ गए हैं जी, अब जा रहे हैं जी घर। वैसे और तो नहीं कुछ करने वाला रहता? नहीं बस, बस चलो जी इतना ही चाह रहा हमारा। सुनो जी, अगर आपको ज्यादा लेग्स की मतलब एक्सरसाइज करने का शौक है ना जी, तो यहाँ से जो बाइक के पहले घर जाएगा ना वो विनर है। वाओ भाई आसिफ आप उतरो, मैं हार गया भाई, मैं पहले हार मान। वापसी घर हम पहुंच गए हैं जी, चलो जी उतरो उतरो जल्दी करो नौजवानो। और इतने तीन ही है, बाकी ने 6 कितने गए? 9 जने गए, आखिर तो 9 ही नहीं आए। इसे करते हैं जी आज का व्लॉग एंड, उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई, पसंद आई तो लाइक करें शेयर करें और हमारे दुल्ला भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ऐसी बात मैं ऐसी नहीं सकता, तुझे पूछ क्या उसमें जी।